अस्सलाम वालेकुम आपको अस्सलाम वो सर। आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिल गए, ठीक है। मैंने वो फाइल आपको भेज दी जिसमें 40 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। यहाँ हेडिंग बना रहे हैं, न्यूमेरिकल। याद रखिएगा, मोल्स और स्टेट्स ऑफ मैटर में कंबाइन करके करा रहा हूँ। मोल्स प्लस स्टेट्स ऑफ मैटर, मोल्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। नाम लिखेंगे इसका 40 न्यूमेरिकल्स, 40 न्यूमेरिकल्स, 40 न्यूमेरिकल्स। करेंगे, तरतीब हमारी ये होगी कि इजी टू हार्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। इजी टू हार्ड की तरफ जाएंगे। आपको असाइनमेंट मैंने भेज दिया है, आपको असाइनमेंट भेज दिया है मैंने। उस असाइनमेंट में क्वेश्चन भी लिखे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। 0.96 ग्राम ऑफ ओ टू इज कंटेंट इन अ ग्लास वेसल ऑफ वॉल्यूम 7 × 10⁻³ - 3 m³ एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मैं हर दफा आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा, हर दफा आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। मैंने तो फॉर्मूला याद किया हुआ है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। फिर मुझे याद है क्योंकि यहाँ मास लिखा हुआ है ना, मास, यहाँ देखे मास है। जब भी मास लिखा होता है तो मैं ये फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ। पीवी इज इक्वल टू एम ओवर एम आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी में। आपको निकालना है क्या है, प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू एम आर टी ओवर एम आर वी। ये सवाल बन गया। चलिए अब इसकी वैल्यू वैल्यू पुट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फॉर्मूला आ गया है, आप वैल्यू पुट करेंगे। मास की वैल्यू है 0.96, आर की वैल्यू होती है 8.31, टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या करेंगे, 30 + 273, 303 केल्विन बनता है टेम्परेचर। तो यहां आपने लिखा 303 डिवाइडेड बाय एम आर, कितना होता है ऑक्सीजन का, 16। होता है जी
एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो का कितना का होगा, थर्टी थर्टी टू टू, दो का 32 हो जाएगा। शाबाश, तो यहाँ हमने लिखा 32। बताइए वॉल्यूम मीटर क्यूब में इसे चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड, चलिए शाबाश, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा ये। सर, 10,791 आ रहा है इसका। ठीक है, टेन सर थाउजेंड इसको सेवन चेंज हंड्रेड क्यों नहीं करेंगे? नाइनटी पॉइंट बस क्या कहिए, वन दोबारा कहिए, 0.1। ठीक है, चार सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था, वो लिख लिया। याद रखिएगा कि वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होता है, उसको चेंज नहीं करते। डीएम क्यूब में होगा तो चेंज करेंगे, सीएम क्यूब में होगा तो चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये प्रेशर बन जाएगा 10800 पास्कल, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। अब अगर आप इसे किलो पास्कल में लिखना चाहें तो 108 किलो पास्कल होगा। बोले आपको ये बात समझ आई है, नहीं आई है? ठीक सर। बोले, किसी ने कुछ पूछना है इस न्यूमेरिकल के बारे में? बोले क्वेश्चन नंबर वन कुछ पूछना है, कुछ चीज ऐसी है नहीं इसके अंदर। सर ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर टू है, इसका क्वेश्चन नंबर टू है, ये आया क्वेश्चन नंबर टू। इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड, विथ 103 किलो पास्कल वॉल्यूम, ऑफ द गैस इज 5.37 इंटू 10^-3 मीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ द गैस। अच्छा, इसमें गैस जो है वो मीथेन है, गैस इज मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, बताइए इसमें मास गिवेन है कि नहीं है। मास मास कहीं लिखा है, मास या मास रिक्वायर है? रिक्वायर्ड मास रिक्वायर है तो फिर मास मास रिक्वायर है, तो आपने दोबारा PV इज इक्वल टू NRT लिखना है, और PV इज इक्वल टू M/MR, RT। सो M इज इक्वल टू PV MR ओवर आर टी। प्रेशर कितना है, किलो पास्कल? बताइए किलो पास्कल में लिखेंगे क्या पास्कल में लिखेंगे? आस्कर हमेशा पास्कल में होता है, तो कैसे हटाएं, किलो की जगह क्या चीज लगाए, मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड 10 थ्री आ जाएगा। 3 आ जाएगा। वेरी गुड, बताइए वॉल्यूम कितना है? 5.37 मल्टीप्लाई ठीक बाय है, थ्री। -3, तो क्या इसको चेंज करेंगे मीटर क्यूब में? नहीं चेंज नहीं दो सर। इसको चेंज नहीं करेंगे। वेरी गुड, 5.37 × 10^-3। बताइए मीथेन का एमआर कितना होता है? 16 16 होता है, बिल्कुल सही है। 12 और 4 16, 16। आर की वैल्यू क्या होती है? वो सालन लाया होगा, जी कौन दे सालन लाया होगा, दरवाजे को दे दे। आर की वैल्यू बताइएगा, 8.31। टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो 60 + 273 करेंगे, कितना आ जाएगा, 300 एंड सॉरी। ठीक है जी, 3 3 3 केल्विन, थ्री ये आर क्या थ्री चीज है?
आर कहते हैं आइडियल गैस कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा था ना, आर का मतलब होता है आइडियल गैस कॉन्स्टेंट, आर की वैल्यू फिक्स होती है 8.31। बोले क्या आंसर आ जाएगा? 3.198 3.198 ग्राम। इसको तकरीबन 3.2 ग्राम भी कह सकते हैं। ये आपका आ गया आंसर। बोले बात समझ आई कि नहीं आई? जी आ गई। क्या था हमने क्या दोबारा बोलिएगा? ये फॉर्मूला कब किया? आपको याद है मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे, बहुत सारी डेरिवेशंस कराई थी न्यूमेरिकल्स के लिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन कराई थी, उसके बाद कराया था आइडियल गैस इक्वेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ गैस, याद आ रहा है? या शायद आप उस दिन एब्सेंट थे, उस दिन काम किया था। अरीबा बात कर रही है ना? जी सर। अरीबा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? कोई ऐसा मसला नहीं है, उसी दिन की बात है। देखें ये फॉर्मूला अभी आपको मैं क्लास भेजूंगा, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ होगा, आज ही भेजूंगा अभी, ठीक है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एक फॉर्मूला है, ठीक है? पी का मतलब होता है प्रेशर ऑफ द गैस, वी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन का मतलब होता है मोल ऑफ द गैस, आर एक कॉन्स्टेंट है, आइडियल गैस का कॉन्स्टेंट है, इसकी अमाउंट फिक्स होती है 8.31, इसकी वैल्यू होती है, टी टेम्परेचर होता है केल्विन में, ठीक है? तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। अरीबा आप देखें एन का मतलब होता है एम ओवर मास ओवर एम आर, तो मोल की जगह मैंने लिखा एम ओवर एम आर, सही है? अब मास निकालना था तो मैंने एम आर को सब्जेक्ट इधर बना दिया और एम को सब्जेक्ट बना दिया। आपके बात समझ आई? जी सर। अरे बाब आपने हर क्वेश्चन को फोकस करना है, ठीक है? जहां समझ में आए मुझे फौरन बोलना, मैं फौरन आपको बता दूंगा, ठीक है? आपका एक लेक्चर मिसिंग है तो वो मैं आज उसकी भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3। सर किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर देंगे? यार खुद ही बंद करना चाहिए, जब बोले तो अनम्यूट कर दें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अच्छा ये मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर करके करा रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 मैं बाद में कराऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन अभी तो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है? मैं आपको इनका सोल्यूशन भी भेज दूंगा 40 के 40 क्वेश्चन का, मैं यहाँ कुछ करवा भी रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपका नंबर, जी जी बोले। सही आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना होता है, लाइक हर किसी का अलग अलग है या कोई कांस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होता है? देखिए 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर होना चाहिए, ठीक है? 3 या 4, 3 या 4, ठीक है? बाद क्वेश्चन में डिमांड करता है कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो फिर 6 करने पड़ेंगे। सर तो ऊपर तो आपने 2 में करा है उसको राउंड ऑफ। हाँ तो आप देखें, आप देखें मैंने जो क्वेश्चन दिया है ना, असाइनमेंट भेजा है, उसके में देखें एक ऑप्शन है 3.2 का, ठीक है? वो उसके हिसाब से मैंने इसको राउंड ऑफ करके कहा कि ये आंसर होगा, ठीक है? वरना देखें मैंने 3.198 लिखा है, 4 सिग्निफिकेंट पे लिखकर भी मैंने 3.2 करा है। शाबाश शाबाश, पूछा करें इसी तरह से, शाबाश, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन एन इवैक्यूएटेड, उसमें से एयर निकाल लिए जिसका वॉल्यूम है 400 cm³, इज फिल्ड विद गैस एट 300 केल्विन एंड 101 kilopascal, मास ऑफ द ट्यूब
इंक्रीजेस बाय 0.65 ग्राम, आइडेंटिफाई गैस। ए ऑप्शन है आर्गन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है क्रिप्टॉन, डी ऑप्शन है नियोन। आप अगर मेरे नोट्स को चेक करेंगे, मैंने लिखा था कि आइडियल गैस इक्वेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ द गैस, बोले हेडिंग डलवाई थी, ये नोट्स चेक करें जरा, दिखाई भी है। तो अब करना क्या होगा, आपने दोबारा आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी, आपने दोबारा आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी, आपने दोबारा आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी। सर आपने लिखवाया हुआ है कि इसमें फिर हम एमआर को बनाते हैं सब्जेक्ट। हाँ, एमआर को सब्जेक्ट मैटर बनाते हैं। सर तो पीवी इज, जी जी बोले। सर आपने क्वेश्चन 3 करा लिया, ये तो क्वेश्चन 4 है। हाँ, मैंने क्वेश्चन 3 इसलिए हटा दिया क्योंकि मैं एक जैसे क्वेश्चन 7 करा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा सही, तो ठीक है। वो वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन नहीं ले। मैं 40 के 40 का सोल्यूशन भी भेज दूंगा आपको, 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ करा भी दूंगा। आज मेरा टारगेट है 15 क्वेश्चन कराने का, 10 से 15 क्वेश्चन कराने का। ठीक है, फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। सर आप ये स्टेट्स ऑफ मैटर के नोट्स आज भेज देंगे? आप कौन बात कर रही हैं? जेना। जेना, हाँ मैं करता हूँ कुछ, ठीक है। जेना, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। अब एन का मतलब होता है मोल, मोल होता है मास ओवर एमआर या एआर। एमआर भी लिख सकते हैं, एआर भी लिख सकते हैं। अब आपने सब्जेक्ट मैटर बनाना है एआर को, तो आपने एआर को सब्जेक्ट मैटर बनाना है, तो फॉर्मूला बनाया आपने एआर इज इक्वल टू एमआरटी ओवर पीवी, सही है। अब मास कितना दिया हुआ है, गौर से देखें, मास कितना दिया हुआ है 0.65, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.31, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है भाई केल्विन में 300, प्रेशर कितना दिया हुआ है किलो पास्कल। तो बताइए किलो पास्कल को हटाने के लिए क्या किलो पास्कल में लिखें या पास्कल में लिखें? मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे फास्टर, मल्टीप्लाई हाँ मैंने एक बाय टेन की तरकीब पावर बताई थ्री है, हाँ बस 10 की पावर 3 लगा दो, किलो किलो खुद गायब हो गया, ठीक है। अब बताओ वॉल्यूम है 400 cm³, सीएम क्यूब में चाहिए या एम क्यूब में चाहिए? एम क्यूब एक्सपोनेंट -6 लगाएं। हाँ शाबाश, हमेशा मीटर क्यूब में चाहिए, और मीटर क्यूब में लाने के लिए 10 की पावर -6 लगा देते हैं, ठीक है। बताइए कितना आ रहा है आंसर, 40.1। तो बताइए कौन सी गैस हुई, आर्गन, आर्गन आर्गन हो गई, आर्गन इसका आंसर आ गया। देखा आपने किस तरीके से आपने गैस की को आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आप तरतीब से क्लास लेंगे आपको खुद मालूम चल जाएगा कि मैंने क्यों इसे ऑनलाइन पे लेके गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑप्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ ऑप्शन बहुत ज्यादा है हमारे पास। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। अ सैंपल ऑफ आयोडीन, ये सारे क्वेश्चन करें
मोल्स हो जाएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स. 6.35 ग्राम हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1.247 dm³ एंड अ प्रेशर ऑफ 1 × 10⁵ पास्कल. फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन. चलिए शाबाश, बताइए मास गिवन कहीं नजर आ रहा है, मास की इन्वॉल्वमेंट है. जी सर. तो इसका मतलब ये हुआ वही फॉर्मूला लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और एन की जगह वही फॉर्मूला लगाएंगे एम ओवर एम आर आर टी. टी को सब्जेक्ट मैटर बना लेंगे, टी इज इक्वल टू पी वी एम आर डिवाइडेड बाय एम आर. ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें और आंसर ले आए. तो भाई जब आप वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो टी इज इक्वल टू प्रेशर बोले कितना है, 1 × 10⁵ पास्कल. तो क्या चेंज करेंगे पास्कल को? नो सर, नहीं. बिल्कुल नहीं करेंगे. शाबाश शाबाश, बताइए वॉल्यूम कितना है. 1.247 dm³ है ना, तो क्या इसको चेंज करेंगे dm³ को? नहीं सर, डीएम. अबे भाई क्या हो गया, डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में करेंगे. डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में करेंगे, मीटर क्यूब में चाहिए वॉल्यूम. तो अगर डीएम क्यूब कभी भी हो जाए तो 10⁻³ ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये खुद ब खुद मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, बताइए आयोडीन का एमआर कितना होता है. सर ये I2 है तो हम इसका दो बार लेंगे ना. जी 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 इसका 253.8 आए. 254 ले लिया मैंने. ठीक है, 254 इसका एमआर होता है. मास कितना दिया हुआ, 6.35. आर की वैल्यू 8.31. बोले कितना आ रहा है. तो 600 केल्विन लिख देते हैं. ये आंसर हो गया आपका. बोले इस तरह के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कैसे करने हैं? सर टेम्परेचर का कोई सिग्निफिकेंट का कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता. नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता. 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक का रूल वही है, सब जगह वही है. तो ये टेम्परेचर तो जैसे ये तो 1SS में हुआ ना. हाँ, लेकिन आप क्वेश्चन देखें जो मैंने उसमें दिया है क्वेश्चन, तो उसमें सही है वो MCQ. ये ऑप्शन है ना, तो ठीक है सर. इसलिए मैंने ऐसा किया. ठीक है, अब आ जाइए, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एक मिनट कौन सा करें, कितनी गैस का वॉल्यूम है. जी क्वेश्चन नंबर 9 है ये. ठीक है, आपके पास असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर मैं 5 कर रहा हूँ. आप चेक करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 9 को चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में. देखिए मैं तमाम एक ही नस्ल के क्वेश्चन एक साथ अलग अलग कर रहा हूँ. ठीक है, व्हेन एन इवेकुएटेड ग्लास ट्यूब
ऑफ वॉल्यूम 200 cm³ इज फिल्ड विद अ गैस एट 300 केल्विन एंड 101 किलो पास्कल. द मास ऑफ द गैस, द मास ऑफ द ट्यूब, द मास ऑफ द ट्यूब इंक्रीजेस बाय 1.06 ग्राम. तो डेफिनेटली ये गैस का ही वॉल्यूम हुआ. What is the identity of the gas? What is the identity of the gas? क्या ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है अभी ऊपर? जी सर बिल्कुल. आइए चेक कर लेते हैं किया है या वैल्यूज चेंज 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 है. वैल्यू चेंज है यार. जी वैल्यू चेंज है जी, मतलब क्वेश्चन ने पूछा सेम चीज थी बट वैल्यूज चेंज है. वैल्यूज चेंज है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें समझ आ जाती है ना किसी चीज की, तो फिर हमें ये सेंस भी आने लगती है यार ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, कुछ ऐसा ही कुछ चीज है. तो इसका मतलब है अल्लाह के हुक्म से ये समझ आ रहा है. चलिए आगे देखते हैं. बताए मास गिवेन है, मास जी सर. तो फिर वही तरीका करना पड़ेगा. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एम ओवर एम आर, आरटी एम आर की जगह यहां भेजी और पीवी को नीचे लिया है. ये आपके पास फॉर्मूला आ गया. अब आपने ए आर या एम आर निकालना है. मास कितना दिया हुआ है 1.06. बोलिए इसको चेंज करना है ग्राम को? नहीं सर. नहीं, ग्राम को चेंज नहीं करते. आर की वैल्यू तो भाई 8.31 ही होती है. बताइए टी कितना है? 300 के 300. क्या क्या इसको इसको चेंज करें? नहीं, क्योंकि तो केल्विन में ही है. शाबाश, ये तो केल्विन में ही है. शाबाश. अब बताइए प्रेशर कितना है? 101 10 की पावर 9. शाबाश, क्योंकि किलो है ना, किलो पास्कल, तो पास्कल करने के लिए 10 की पावर 3 लगा दिया. मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है देखें? 200 into 10 to the power -6. अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबको आ गया. वेरी गुड, जबरदस्त. सेंटीमीटर क्यूब हो तो मीटर क्यूब बनाने के लिए आपने 10 की पावर -6 लगानी है. ठीक है, 138 क्या 131 राउंड ऑफ करके. तो बताइए क्या निकल रहा है ये? जनाब निकल आया. अल्लाह के हुक्म से ये वाला सवाल भी हो गया आपका. देखें 5 क्वेश्चन स्मूथ हो गए अल्लाह के हुक्म से. ये अभी पहली कैटेगरी चल रही है, अभी ये पहली कैटेगरी चल रही है. उस वक्त तक कराऊंगा मैं जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूंगा इस कैटेगरी से. सर एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे प्लीज. ठीक है, ये ले ये ले ये ले. थैंक यू सर, थैंक यू, हो गया. ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है. व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी उसी में से है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेपोराइज्ड
इट ऑक्यूपाइज एम क्यूब एट 405 केल्विन एंड 1 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर. फाइंड एम आर. एम आर बताइए मास गिवेन है. सर मास गिवेन है तो फिर वही ड्रामा. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. पी वी इज इक्वल टू एम ओवर एम आर. आर टी एम आर इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पी वी. तो अब मास की वैल्यू डाली आपने 0.15. आर की वैल्यू है 8.31. बताइए टेम्परेचर कितना है. 405 केल्विन. चेंज करें केल्विन को सेंटीग्रेड में. नहीं नहीं शाबाश केल्विन में चाहिए. बताइए प्रेशर कितना दिया हुआ है. 1 × 10⁵ न्यूटन मीटर. क्या क्या इसको चेंज करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को. नहीं पास्कल के बराबर. नहीं, मैंने आपको क्लास में लिखाया था ये, और देखें आज साबित भी होगी अल्लाह के हुक्म से कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 पास्कल. तो आपने ऐसे ही लिख दिया इसको. बताइए वॉल्यूम में क्या लिखूं. 65. 10⁻⁶. शाबाश शाबाश. 10⁻⁶. क्यों -6 लिखवाया आपने. मीटर क्यूब में चाहिए. क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करने के लिए 10⁻⁶ लगा देते हैं. शाबाश. बताए कितना आंसर आएगा. 77.7 आ रहे. 77.7. 78 इसका एम आर आ गया. 78 इसका एम आर आ गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है. एक ट्यूब है आपके पास. जैसे ट्यूबलाइट थी ना पुराने जमाने वाली ट्यूबलाइट, अभी तो एलईडी लाइट आ गई है. इसी तरह की एक ट्यूब थी पुराने जमाने वाली ट्यूबलाइट जैसी. इसको कहते थे चमक वाली ट्यूब. ट्यूब फ्लोरिसेंट ट्यूब कहलाती थी. ये फ्लोरिसेंट ट्यूब, इसमें बिजली चलाते थे तो ये चमक जाती थी. इसका वॉल्यूम है 400 cm³. इसमें प्रेशर है 200 kPa. इसमें मोल्स हैं 0.03 मोल. आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर. व्हाट इज द टेम्परेचर इनसाइड द ट्यूब. व्हाट इज द टेम्परेचर इनसाइड द ट्यूब. What is the temperature inside the tube? बोलिए क्या इसके अंदर मास गिवन है? नहीं. या मोल मोल गिवन है? तो लिहाजा इसी में गुजारा हो जाएगा. निकालना टेम्परेचर है. आपने ऐसे किया. प्रेशर है 200 kPa. बोले किलो पास्कल लिखूं क्या करूं. 10⁻³.
वेरी गुड, वॉल्यूम है 400 cm³। क्या करें बताएं, 400 लिखें? 400 × 10⁻⁶ -6। मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को ये आ गया है, मुझे अब नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए इसी का। मोल्स कितना है? 0.03। आर की वैल्यू है 8.31। बोले क्या आंसर आया? वर्कशीट में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी बता देता हूँ तुमको, मैंने बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुक जाओ, 300 cm³। इसी तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 भी है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, एक मिनट बताता हूँ। मोल दिए मैंने इसमें, यार मसला ये 40 क्वेश्चन है ना। द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ अमोनिया इन एन एक्सपेरिमेंट, मेरे ख्याल में मैंने खुद अलग करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको इसकी पूरी सॉल्यूशन भेज दूंगा, परेशान ना हो आप, अभी ये क्वेश्चन कर लें सारे के सारे, ठीक है। बताइए आंसर क्या आ रहा है? 320.9 केल्विन। 320.9 केल्विन, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 321 कर लेते हैं केल्विन। क्वेश्चन नंबर 7 भी होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। आप हल्के हल्के थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन ला रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड आइडेंटिटी विच कंटेन फ्यूएस्ट मॉलिक्यूल। ये थोड़ा अलग कैटेगरी का ले आया क्वेश्चन, ठीक है। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने और बताना है किसके कम मॉलिक्यूल है। ऑप्शन ए 1 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 kPa। याद रखिएगा मैंने मोल्स स्टार्ट करा दिए हैं, मोल्स एंड स्टोइकोमेट्री स्टार्ट करा चुका हूं, आखिर में हम उसका रिवीजन देंगे। वन डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 22 kPa। आपने निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मूला ये है कि पहले एन निकालेंगे, मोल निकालेंगे, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन इज इक्वल टू पीवी ओवर आरटी। ये आ गया आपके पास मोल, तो आपने क्या किया, एन इज इक्वल टू प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 kPa, तो 10³ लगा देंगे क्योंकि किलो में नहीं चाहिए, पास्कल
पास्कल में चाहिए। वॉल्यूम है 1 dm³। बताइए dm³ को मीटर क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? 10^3 10^-3, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगी? 8.31। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27+273 300। बोले क्या आया एन? 8.02 × 10⁻¹¹ आपने बोला 8.02 × 10⁻¹⁴ मोल। अगर ये एमसीक्यू का कोई सवाल होता तो मैं कभी भी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि मोल ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल भी ज्यादा ही होंगे। तो मोल देखे, मोल मोल ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ज्यादा है। 8.02 × 10⁻¹⁴ × 6.023 × 10⁻²³। अब बताएं क्या होगा? 4.83 × 10⁻²³ कितने? 4.83 × 10⁻²³ 20 मॉलिक्यूल आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये मैंने यहां पे सामने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये वॉल्यूम दे रहा है 1 dm³, लेकिन गैस चेंज करके इसने कर दी है हाइड्रोजन गैस, और टेम्परेचर चेंज करके 100 कर दिया है। प्रेशर वही रखा हुआ है तो गैस कर दी है हाइड्रोजन गैस, टेम्परेचर कर दिया 100°C। अब बताइए क्या चेंजिंग होगी? क्या प्रेशर चेंज होगा? नहीं। क्या वॉल्यूम चेंज होगा? वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा, तो भाई क्या चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज होगा जी। यस सर, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होगा, यह आ जाएगा 373 तो भाई नीचे लिख देंगे 300 की जगह 373। बोले आपके आंसर आ जाएगा 6.45 × 10⁻¹⁴ 6.45 × 10⁻¹⁴ इसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आएगा। थ्री पॉइंट एट नाइन इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी। ये भी आपका हो गया। इसी तरह से आपको एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या है? उसने गैस चेंज करी दोबारा, टेम्परेचर चेंज किया, अब प्रेशर भी चेंज कर दिया। अब इन्होंने जो गैस लिए वो नाइट्रोजन लिए, टेम्परेचर इन्होंने 300 लिया और प्रेशर 4 kPa लिया, तो लिहाजा फॉर्मूला वही होगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। यहाँ 4 × जी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। जब आप एक बार कर रहे हैं ना पेन से, मैं तो आपकी पेपर 2 की तैयारी करा रहा हूँ, लेकिन जब आप कैलकुलेटर में एक बार फिक्स कर लेंगे, सिर्फ एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, आंसर आता रहेगा। ओके, बोले इसका क्या आंसर आएगा?
इसका आंसर 8.4 × 10⁻⁴ आया। 573 इसका टेम्परेचर आना है तो इधर आना चाहिए 5, है ना, 573 इधर आना चाहिए, बाकी सब चीजें सही है। क्या आंसर आ रहा है दोबारा बताइएगा, मैं सुन नहीं सका। 8.4 × 10⁻⁴, 8 × 0.4 − 4 मोल। अब आपने इसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देना है तो भाई यहां आ जाएगा 8.4 × 10⁻⁴। अब बताएं कितना आ रहा है, 5.06 × 10⁻²। ठीक हो गया, शाबाश, 5.06 × 10⁻²० मॉलिक्यूल। तो भाई आपका माशाल्लाह से ये बी था, ये सी है, अब डी कर रहे हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है, लास्ट है। अब क्या क्या इन्होंने, अब ये डी पार्ट है, 1 DM³ रखा है, अगेन गैस चेंज O2, टेम्परेचर 250 एंड प्रेशर इज 3 kPa। क्या चेंजिंग होंगी, यहां 3 आ जाएगा, और टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, 250 प्लस 273 कितना बनता है, ये 523 और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, 523 ऊपर 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सही तो लिखा था, 3 आएगा, 3 आएगा, 3। बताइए क्या आंसर आ रहा है, 6.9 × 10⁻⁴, 6.9 × 10⁻⁴। बताइए फिर क्या बनेगा, ये 4.16 × 10⁻², 4.16। भाई इतनी कैलकुलेशन लंबी करी, बताइए कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, फ्यूएस्ट मॉलिक्यूल किसके हैं, अच्छा पहला वाला है -4, दूसरा वाला है 20, नहीं पहला वाला है 4.83, दूसरा वाला है 3.89। तो भाई ये तो बी 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 वाला ही सबसे फ्यूएस्ट है ना, जी बी, बी आंसर सही हो गया माशाल्लाह। चलिए अब कुछ जरा लेटेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद ये क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं डाला हुआ। 9701/October-November 22 और ईयर है 20। चेक कर लेते हैं, विंटर। सर अभी और कितने क्वेश्चन कराएंगे आप, यार 15 तक तो जाना है मुझे, सूरत में 6 क्वेश्चन और हैं सर, क्योंकि मैंने लीव करना है वो मैंने बताया था आपको सर, अभी तुम ने चले बताया जाओ। था। हाँ हाँ तुम चले जाओ, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है, चलो ओके सर, और थैंक मेरी जब भी क्लास होगी ना मैं 40 न्यूमेरिकल रजिस्टर में चेक करूंगा, मैंने उसी वक्त तुम्हारे घर पे कंप्लेन करूंगा शाहरुख खान, ठीक है मैं सर, मैं आपको करके दे दूँ, ठीक है, ओके ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा जी अब हम जा रहे हैं, 22 था ये।
NCl3 का क्वेश्चन आया था, एक NCl3 का। ये रहा NCl3। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा प्लीज ग्रुप पे। जी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। यार ये जूम के ग्लिचेस आते हैं कभी कभी ना, एकदम जो है वो चीजें चली जाती हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। बस कुछ टेक्निकल क्वेश्चन करा के फिर मैं आपको फारिग कर दूंगा, ठीक है। अब ये मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है, ये देखें। अब आप गौर से देखें, ये कह रहे हैं NCl3 एक गैस है, सॉरी लिक्विड है। गौर से सुनिएगा, डिकम्पोज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन शो, ठीक है भाई। ये लिक्विड है, नाइट्रोजन और क्लोरीन में कन्वर्ट हो, ठीक है। अ सील्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम कंटेन एन अनरिएक्टिव गैस एट प्रेशर ऑफ 1 × 10⁵ पास्कल। प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका ग्राम दिया हुआ है, इसके मोल निकालने पड़ेंगे। मेरी बात गौर से सुने, देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। आप देखिए, पहला स्टेप है आपके पास NCl के मोल निकालें। आप करना कराना क्या है वो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने क्या निकालना पड़ेगा स्टेप 1 में, मोल। मोल ऑफ NCl3, तो सबसे पहले आपने इसका MR निकालना है। तो भाई पहला होगा MR ऑफ NCl3, तो नाइट्रोजन प्लस 3 क्लोरीन। नाइट्रोजन इज 14, क्लोरीन इज 35.5। बताइए आंसर कितना आएगा? 120.5 120.45, नहीं 120.5 MR आ गया। चलिए अब आएगा स्टेप 2। स्टेप 2, मोल ऑफ NCl3, मोल ऑफ NCl3। तो भाई मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर MR। ग्राम कितना है इसका? 0.241। आपने MR निकाल दिया 120.5। ये आपके पास मोल आ गए NCl5 के। 0.002 0.002 मोल ऑफ NCl3। चलिए आगे पढ़ते हैं। अ सील कंटेनर ऑफ वॉल्यूम इतने अनरिएक्टिव गैस एट अ प्रेशर ऑफ, ये इतना ग्राम लिया है सील कंटेनर में, जाहिर सी बात है ये बनेंगे दो। द सील कंटेनर वॉज हीटेड टू मेक द NCl3 डिकम्पोज फुल्ली एंड देन कूल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
कैलकुलेट द फाइनल टोटल प्रेशर इनसाइड द सील कंटेनर आफ्टर NCl3 हैज फुल्ली डिकम्पोज्ड. फुल्ली डिकम्पोज होना चाहिए, फुल्ली डिकम्पोज्ड. तो भाई आपने प्रेशर निकालना है, PV इज इक्वल टू NRT से निकल आएगा. लेकिन बात सुने ना, आपको तो ये गैसेस के मोल चाहिए. भाई आपने PV इज इक्वल टू NRT लगाना है तो P निकल आएगा. तो मोल्स किसके लगाएंगे आप? इसके तो नहीं लगा सकते, लिक्विड है. इन दोनों के मोल्स लगाएंगे. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर एक मरतबा रिपीट कर दें. देख देखे देखे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है. स्टेप थ्री है, ये देखें. स्टेप थ्री है, फाइंड मोल ऑफ गैसेस. फाइंड मोल ऑफ गैसेस, फाइंड मोल ऑफ गैसेस. तो भाई यहां लिखा आपने NCl3, यहां लिखा गैसेस. गैसेस का क्या मतलब है? N2 प्लस Cl2. तो भाई 2:4 का रेशियो है ना, चेक करें. बोले कितने का रेशियो है? ऐसा ही है ना, NC 2:4 का रेशियो है. तो अब NCl3 के मोल आपने निकाले कितने थे? 0.002 गैस के मोल निकाल लें. 0.004 यानी 4×10⁻³ हो रहा है मेरे ख्याल में ना. जी सर. मोल ऑफ गैसेस. अब क्या करेंगे आप? स्टेप फोर, पीवी इज इक्वल टू NRT. दिस इज स्टेप फोर. सो पी इज इक्वल टू NRT ओवर वी. मोल लिखे आपने 4×10⁻³. आर की वैल्यू है 8.314. टेम्परेचर कितना है? 20°C है. तो जरा 20 + 273 करें, कितना आ जाएगा? 293. तो यहां लिखा 293. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 250 cm³. तो बोले क्या एक्सपोनेंट डालू इसके साथ? 10⁻⁶. शाबाश, 10⁻⁶. बोले क्या आंसर आ जाएगा प्रेशर का? बोले क्या प्रेशर आ जाएगा? 17861. एक कोई और भी कंफर्म कर दे सर. इसका आएगा 38956. तो इसका मतलब है 3.9×10⁴ पास्कल कर देते हैं. बताइए क्या ये आंसर होगा? बोले क्या ये आंसर होगा? क्या ये टोटल प्रेशर होगा? ये तो खाली प्रेशर होगा एग्जर्टेड बाय N2 एंड Cl2, और जो अनरिएक्टिव गैस का प्रेशर है वो भी तो ऐड होगा. क्या आपको बात समझ आ रही है? लेकिन सर डीकंपोज हो चुका है. सही कह रहे हैं आप. जरा सवाल दोबारा पढ़े. कह रहे हैं NCl3 डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. सही है. अ सील्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 250 cm³ कंटेन एन अनरिएक्टिव गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1×10⁵ पास्कल. वो इस प्रेशर पे डाली है. एक तो अंदर इतना ही प्रेशर था, बाकी गैस ने इतना प्रेशर एग्जर्ट किया, तो टोटल कितना होगा? प्लस समझ आ रही है? Yes, जब तुमने NCl3 डाला था ना, उस वक्त प्रेशर इतना था पहले से. बात समझ आ रही है ना? Yes, sir. ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह. टोटल प्रेशर कितना है? 1×10⁵ प्लस 3.9×10⁴. बोले कितना आ रहा है सर? 1.39×10⁵ जी, 10⁵ पास्कल. चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं.
सर ये 1 × 10 की पावर 5 क्यों ऐड किया है? पहले से देखें, जब गैस डाली थी ना उस वक्त ये प्रेशर था, आप देख रहे हैं, आप पढ़े हैं सवाल, पढ़े यहाँ पढ़े क्या लिखा है, बोले आपको समझ आ रही है बात? जी सही है जी सर, आ रहा है, समझ आ रही है ना? अच्छा जी, अब और क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, यानी 10 क्वेश्चन हो गए। ये 8 था, ये 9 हुआ। एक मिनट, हाँ ये 9 हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन से ईयर का है ये। एक मिनट रुकिएगा, हल्का सा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे। ठीक है बेटे, ये लो, बेटा आप जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ईयर क्यों नहीं समझ आ रहा, 2002 का है, 9701। अक्टूबर, नवंबर। सर आप असाइनमेंट में से क्वेश्चन 24 भी कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? उस असाइनमेंट में से बिल्कुल करते हैं, अभी जी, करते क्वेश्चन हैं। 24, बिकॉज वो ग्राफ वाले मैंने देखे थे बहुत, लेकिन समझ नहीं आए थे। मैं अभी अभी कराता हूँ आपको, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 9701 अक्टूबर नवंबर 2002, 2002 11, क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, क्वेश्चन नंबर 8। ये चेक करते हैं, ये है भी नहीं है। टू थाउजेंड टू अक्टूबर नवंबर, वाह मिल गए। आप सारे टेक्निकल क्वेश्चन है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। वो कह रहा है 2 ग्राम सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एट टेम्परेचर टी एंड ऑफ वॉल्यूम वी एक्सर्ट अ प्रेशर पी। ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर पी
एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक ही बात करते हैं, एक ही देखिए गौर से देखिएगा, एक ही बात कर रहे हैं, एक ही. बताइए पहले आप सवाल की बात कर रहे हैं, बताए क्वेश्चन में कितना कितने मोल है हाइड्रोजन के, मोल ऑफ हाइड्रोजन बोले कितना ग्राम दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, इसका एम आर है टू, तो वन मोल आ गया हाइड्रोजन का. ठीक है जी, ठीक है. बताए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन का, वी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है. ठीक है, बताओ प्रेशर कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पी दिया हुआ है. अब ये तीन चीजें जिसकी भी सेम होंगी ना वही आंसर सही होगा, यानी वॉल्यूम मोल वन होना चाहिए, वॉल्यूम वी होना चाहिए, प्रेशर पी होना चाहिए. आइए केस वन करते हैं, वन वाला करते हैं, ए वन वाला ए ए. बताइए ड्यूटेरियम का फॉर्मूला था डी टू, तो टू डिवाइडेड बाय एक होता है टू, टू जा फोर, इसका एम आर होता है फोर, क्योंकि ये देखें ये रहा ड्यूटेरियम, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, एक एक टू होता है टू, एक टू होता है तो टू प्लस टू इज फोर, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है. जी सर आ गई, वो दो दिए हुए थे और दो है उसका तो टू और टू फोर. भाई ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, तो अगर हाइड्रोजन एच टू है तो ड्यूटेरियम डी टू होगा, तो ये आ जाएगा 0.5. तो बताएं क्या ये मोल और ऊपर वाले के मोल बराबर हुए, नहीं सर तो ये तो गलत हो गया. अच्छा इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सर, वॉल्यूम तो वी दिया है वो सही है, तो वॉल्यूम तो सही है, मोल गलत हो गया. प्रेशर बताएं क्या दिया हुआ है, इसका प्रेशर कितना है, नहीं दिया हुआ, प्रेशर निकालना है ना, तो जाहिर सी बात है मोल सेम नहीं है तो प्रेशर कैसे बराबर होगा. ठीक है, मोल सेम नहीं है क्योंकि पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो मोल्स आर नॉट सेम, मोल इज रॉन्ग, वॉल्यूम इज बी. चलिए बी पे आ जाइए, बोलिए बी क्या चीज है, बी फिर ड्यूटेरियम है, तो बताएं मोल कितने होंगे बी के, 0.4 अपॉन 4 होंगे ना, जी 1. देखिए 1 मोल आ गया, लेकिन वॉल्यूम क्या है इसका, बी अपॉन 2, तो ये सही हो गया ये गलत हो गया. सी आ जाइए, सी में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम, इसके मोल निकालते हैं, मोल ऑफ हाइड्रोजन 1/2 0.5 मोल, मोल ऑफ ड्यूटेरियम 2/4 0.5 मोल, सो टोटल 1 मोल. ठीक है, तो बताइए वॉल्यूम क्या है इसका, ये दोनों सही हैं तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. आइए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, डी की तो वॉल्यूम गलत है, डी का वॉल्यूम ही गलत है. चले फिर भी मोल निकाल लेते हैं, मोल ऑफ हाइड्रोजन 2/2 इज 1 मोल, मोल ऑफ ड्यूटेरियम 1/4 0.25 मोल, तो 1.25 मोल टोटल हो रहे हैं, गलत हो गया. वॉल्यूम कितना हो रहा है 2V, ये भी गलत हो रहा है, तो भाई 100% सी आंसर सही है. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है,
अल्लाह तेरा लाख ये लाख वाला शुक्र है। दोबारा से याद। देखे मेरी बात सुने, सवाल में ये पूछ रहा है कि इन चार गैसेस में कौन है जो प्रेशर पी एग्जर्ट करेगा। तो आपने कहा भाई फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी। तो भाई वॉल्यूम को चेक करो, टेम्परेचर को चेंज का चेक करो, मोल को चेक करो, अगर ये तीनों बराबर हैं तो भाई प्रेशर बराबर होगा। तो लिहाजा ए वाले में मोल बराबर नहीं है, बी वाले में मोल बराबर है वॉल्यूम बराबर नहीं है, सी वाले में टोटल मोल बराबर है और वॉल्यूम भी वी दिया हुआ है। इसमें मोल 1.25 निकला, इसमें वॉल्यूम भी गलत निकला, दोनों गलत निकले। बोले आपको मेरी बात समझ आई है? जी सर। अच्छा सर, ये बात कंफर्म करते हैं, वो 2/4 जो लिखा है आपने सी में नेटेरियम हाँ का, उसके हाँ अंदर आपने ये किया ना कि उसका 2 था तो 2 और 2 को ऐड किया क्योंकि वो डी 2 था, हाँ तो इसलिए हाँ ना, एक ड्यूटेरियम 2 होता है तो 2 है तो 4 हो जाएगा। मास दिया सही हुआ है सर। 2 ग्राम, ये देखो ऊपर दिया हुआ है 2 ग्राम, ठीक है। जी, बस सही समझ में। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन ही है, एमसीक्यू है ना, 9701। अक्टूबर नवंबर 9701, अक्टूबर नवंबर 12, 2005। देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई, ग्राफ का क्वेश्चन था, 2005 अक्टूबर नवंबर 12 था शायद, विंटर क्वेश्चन पेपर। जैसे ही बात देखे आप इस वक्त का फायदा उठा लें, ये वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा। ये देखें, ये क्वेश्चन आपने लिखा पहला, क्वेश्चन नंबर 12 है, चलिए। ये कह रहा है विच ग्राफ शो, ये देखें, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सल्फर आर ईच कंप्लीटली बर्न इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, विच ग्राफ शो द मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज इन ईच केस। ये देखें, अगर आपने मैग्नीशियम को के 1 मोल को, 1 मोल का है, 1 मोल ऑक्सीजन में जलाएंगे तो MgO बनेगा, यहाँ आधा ऑक्सीजन आना चाहिए, तो रेशियो बन रहा है 1:2.5। जी तो अगर ये मैग्नीशियम का 1.5 पे आ रहा है तो फिर ये 3 होगा और ये 4.5 होगा। आइए एल्युमिनियम को देखते हैं, एल्युमिनियम O2 गिव Al2O3, दो एल्युमिनियम है तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 3/2 ऑक्सीजन आ जाएगा, 2:1.5 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दें दोनों को,
ये आ जाएगा 0.75। तो इसको 0.75 पे जाके मिलना चाहिए जी, लेकिन नहीं है। सही है। अच्छा मैं भी चेक कर लेता हूँ। तीसरा है सल्फर। आज सल्फर गड़बड़ है, सल्फर ओ टू भी बना सकता है, सल्फर ओ थ्री भी बना सकता है, ठीक है, सल्फर ओ टू भी बना सकता है, सल्फर ओ थ्री बना सकता है। पहले इन तीनों में डिसाइड करते हैं कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो आइए इसको चेक करते हैं। अगर मैग्नीशियम ये 0.5 है तो इसे 1.5 होना चाहिए। तो बताइए एल्युमिनियम कितने पे आ रहा है, बताएं एल्युमिनियम कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, लेकिन उसको 0.75 पे आना चाहिए। शाबाश, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये 1 पे आ रहा है। आइए बी पे आ जाइए, आइए बी पे आ जाइए। पहला वाला कह रहा है 0.5, ठीक है, तो ये 1 होगा, ये 1.5 होगा। तो बताइए क्या ये 1.5 है, ये सही है? ये नहीं, 0.75 ये भी गलत है। आइए सी पे आ जाइए। अगर सी वाला 0.5 है, ये 0.5 है, तो ये 0.25 होगा, तो ये 0.75 होगा। नहीं, बोले ऐसे ही होगा जी सर, तो फिर एल्युमिनियम भी सही है। नहीं, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन सही लग रहा है। आइए डी सही देखते हैं। एस भी तो, सल्फर भी तो ओ टू अगर बनाए तो 0.5 पे लाए करेगा। हाँ ना, इसको भी देख लेते हैं। ये अगर 0.5 है तो ये 1 होगा, तो ये कितना होगा 0.75, ये भी सही है। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? दोबारा रिपीट करूंगी। आ रही है सर। ठीक हो गया। अब सल्फर पे मामला अटक गया है, ठीक है, चलिए सल्फर करते हैं। सल्फर प्लस ओ टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें तो 1:1 का रेशियो आ रहा है अगर देखा जाए तो, इधर 1 आना चाहिए, 1। तो बताइए 1 कहां पे आ रहा है? अच्छा एक और एक क्वेश्चन देखें, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाली जी, वो क्या बता, ये वाली हो, क्योंकि ये तो 1 कहीं आ ही नहीं रहा है। हाँ, 1 कहीं भी नहीं आ रहा। इधर 3 बनाने लगे, 3/2, 3/2 किसके बराबर होता है, 1.5 के। ये 1.5 है जी, और डी सही है। तो डी आंसर सही हो। भाई आपको बोलना चाहिए, ये इतनी नाजुक नाजुक चीजें हैं, प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा मुझे बोले, मैं फिर समझाऊंगा। ये क्लास में नहीं समझाया जा सकता, ये खाली पूरी क्लास एक इसी टॉपिक पे निकल जाएगी, ग्राफ क्वेश्चन के। बोले आपको समझ आ रही है? जी सर, आप ठीक हो गया? ठीक हो गया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोले यार, मैं तो कहता हूँ अपना ग्राफ खुद ड्रॉ कर लें, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, फॉर हो के, ठीक है। ये मैग्नीशियम हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया, और ये सल्फर हो गया। ये पहला आपका आ रहा है 0.5, ये लगाया आपने 0.5, फिर आ रहा है 1, और यह है 0.75, यहाँ आपने लगाया 0.75। फिर 1.5, ये आ गया 1.5।
1.75 वाला ही बन रहा है, ठीक है ये आ रहा है 1.5। तो ये कौन सा वाला बन रहा है, देखिए डी वाला ही बन रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये 1.5, ये 0.75, ये 0.5। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए। आपने क्या बोला था मुझे, वो ग्राफ वाला आप मुझे उसका ईयर बता सकते हैं, जब मैं खुद ढूंढू। 2006 है शायद, रुक जाए, नवंबर, ट्वेल्थ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2006 का क्वेश्चन है ये, इंटर का क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 अरुबा, ये क्वेश्चन था सर, मैंने नहीं बोला था, लेकिन ये वाला आपने करवाया, नहीं यही करवाया क्वेश्चन सर, यही क्वेश्चन पूछा था आपने, किसी ने पूछा था ना, किसी ने आपने से पूछा था ना क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है। यस ठीक है, अभी इसको ले लेते हैं, एक इधर ये लेंगे, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से करिएगा, अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ये शॉर्टेस्ट मेथड है ये। क्या ये आ गया, अब बात सुने, आपके पास इतनी सारी गैसेस है, सबका 10 cm³ लिया है इसने, सबका 10 cm³, ठीक है, सबका 10 cm³ लिया है, उसके अंदर 70 cm³ ऑक्सीजन डाल दिए, सही है। अब आपको बताना है कि भाई कौन सा ग्राफ सही है, आपको मेरी बात समझ आ रही है सर? इसमें वही फॉर्मूला लगा के रेशियो लगाना पड़ेगा ना? अभी आप सिर्फ ये बताइए रूबा कि क्वेश्चन समझ आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, बोले सर एक मिनट आप रिपीट कर सकते हैं? देखिए मैं रिपीट करता हूँ, देखिए आपको यहाँ 4 गैसेस दिख रही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सही है। आप कोई सी भी एक एक गैस सेलेक्ट करें, मैंने ये वाली गैस सेलेक्ट कर ली, मैंने लिख दिया C2H6, इसको मैंने ऑक्सीजन में जलाया, बताइए C2H6 में कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगी, बताएं इसमें कितने हाइड्रोजन है? 6 का आधा करें, 3 पानी बनेंगे। हमेशा हर आप कोई सा भी फॉर्मूला उठा लें ऐसा कर सकते हैं। अब आप देखें राइट हैंड पे आपके पास कितनी ऑक्सीजन है, 4 और 3 7 है, कितनी ऑक्सीजन है, 2 2 4 5 6 7 ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली यहाँ 7/2 आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर आ गई, बैलेंस किया हमने बस, बैलेंस कर दी। अच्छा यहाँ आपने लिया था 10 cm³, यहाँ लिया था 70 cm³, ठीक है, तो बताइए 10 में से इथेन तो पूरा खर्च हो गया 10, तो बताइए ये 3.5 है ना 7/2, जी
तो 10 में कितना चाहिए होगा? बोले रेशियो कितना है, 1:3.5 है ना ये यार, ये 7/2 का मतलब 3.5, 1:3.5 है, 35 होगा, शाबाश। देखिए रेशियो है 1:3.5, तो 10 में कितना होगा, 35। अच्छा बताइए ये कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी होगी, 20 बनी होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि 1:2 का रेशियो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बची 20, ये बचा आपके पास माइनस करके 35, टोटल कितना हो गया, 35 प्लस 20 इज इक्वल टू 55। अब देखें क्या ये 55 पे है, बोलें नहीं, क्या ये 55 है, नहीं, नहीं, नहीं ये गलत हो गया। क्या ये 55 है, नहीं 50 है, ये भी गलत हो गया। ठीक है आइए बाकी देखते हैं, ये आ गया आपके पास जी। अब आप बताएं ये कितना है, 55 नहीं आ रहा यार, ये कितना आ रहा है, 55। ये सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका। सर जी जी बोले, ये जो आपने प्लस माइनस किया ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया, मैं आपको बिल्कुल दोबारा समझाता हूँ, क्या बात कह दी आपने, जबरदस्त। अब आप मेरी बात दोबारा सुने, देखें सवाल में ये कह रहा है कि 10 cm³ ये लिया था, ठीक है, और 70 cm³ ये लिया था, दोनों लिए थे, अब बताओ आखिर में कितनी गैसेस बची होंगी, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। देखें ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, अब आप मुझे बताएं इन दोनों में रेशियो कितना है, 1:3.5 का है ना, तो 1 में 3.5, तो 10 में कितना बनेगा, 35 लिखा, तो इसका मतलब है 35 बच भी गया होगा, 70 में से 35। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी होगी, 1:12 का रेशियो है, 20 बनी होगी, नहीं 1:2 का रेशियो ना, यहाँ देखो 1 है यहाँ 2 है, यहाँ 1 का और 3.5 का था, यहाँ 1 और 2 का रेशियो है, तो अगर ये 10 से 3.5 हो गया तो ये 10 से 20 हो जाएगा, बोलो समझ आ रहे हैं? जी सर ठीक है समझ आ गया सही है। अब ये टोटल रेशियो 55 हो गया, 55 पे जाके आपने सिलेक्ट कर लिया, मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन जाएगा। सर H2O का कोई लेना देना नहीं होगा इसमें, लाइक वो क्या बर्न करेगा तो उसका गैस जो बनेगी, देखें उसने अगर रेजिडुअल गैस में ये कहा है कि पानी भी गैस स्टीम में आ रहा है, क्योंकि यही सवाल फिर 2017 में आए, 2017 में एक जगह ये लिख रहा है कि H2O लिक्विड है, एक जगह कह रहा है ये H2O गैस है, एक दफा एक सवाल में कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक में कह रहा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक में कह रहा है बिलो 100 है, बिलो 100 में तो पानी पानी रहेगा, गैस नहीं बनेगा, अबव 100 में हम इसको कंसिडर कर लेंगे, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, 100 से ऊपर टेम्परेचर होगा तो पानी को भी कंसिडर करेंगे। सही है सर। सर ये दूसरी दफा 10 क्यों लिखा है, दूसरी दफा 10 इसलिए, कौन सा 10, ये वाला 10 जी, ये पूरा कंज्यूम हो गया ना, ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, तो जीरो बचेगा, तो 10 में से 10 गया जीरो,
लिमिटिंग रिएक्टेंट लिया है ना इसको, बोले बात समझ आई है? जी सर। चलिए आखिरी क्वेश्चन है शायद ये 9701 वेरिएंट 21 मई जून 2019। अब जब भी तुम्हारी क्लास होगी ना, ये 40 के 40 न्यूमेरिकल अपने रजिस्टर में सॉल्व करके लाओगे। कब? कल। क्लास क्लास कब है आपकी? जिसकी अगर कल है ना, तो वो 40 के 40 न्यूमेरिकल कल लेकर आएगा। हाँ जी, जिसकी कल क्लास है। मैंने आपको फाइल शेयर कर दिए, आप करिए, मैं आपको उसके आंसर भी भेज दूंगा। आपने मुझे कल जमा कराने हैं, वरना फिर मुझसे कोई किसी भी किस्म की उम्मीद ना रखे। 21 ये भी नहीं है। हाँ यही है, क्लोरीन एग्जिस्ट है, यही है। चलिए जी, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप। कुछ क्वेश्चन मैंने उन 40 क्वेश्चन से अलग भी करा दिए हैं। भाई वही बच्चों वाला क्वेश्चन है, मास निकालना है। तो भाई आपने क्या फॉर्मूला लगाना है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो भाई एन की जगह क्या लिखना है? एम ओवर एम आर, आर टी। क्या निकालना है? एम। एम किसके बराबर होगा? पी वी एम आर ओवर आर टी। तो भाई बोले ना, प्रेशर कितना है इसके अंदर? 404 किलो पास्कल। तो क्या करेंगे, किलो की जगह क्या लिखेंगे? 10 to the power 3। अच्छा जी, वॉल्यूम कितना लिखेंगे? 20 to the power 20। शाबाश, -6। उसके बाद क्या है? एम आर। एम आर कितना है क्लोरीन का? 71 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है? 8.31। टेम्परेचर क्या है? 25 + 273, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा? 5298। पता है क्या आंसर आएगा? 0.23। 0.232 ग्राम, 0.232 ग्राम। इसका देखें अगला पार्ट है कोई? जी, इसका अगला पार्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। पहले वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। ये आ गया, ये आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें आपको कह रहा है कि भाई मास कितना निकाला है आपने। मास है, मास आपने निकाला है 0.232 ग्राम। तो फिर मोल ऑफ क्लोरीन,
मोल ऑफ क्लोरीन आप निकाल लेंगे, ठीक है, 0.232 डिवाइड बाय 71 कितना मोल आ गया, 3.27 × 10⁻³ मोल ऑफ क्लोरीन। ये मैंने क्यों करवाया आपको, ये आया है, ये आया है क्लोरीन Cl2, Cl नहीं आया, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक क्लोरीन में दो Cl होते हैं, तो रेशियो आएगा 1:2 का। आपने निकाला है 3.27 Cl2 निकालना है, आपने Cl एटम पूछा है उसने एटम, बात समझ आ रही है, आपने एटम पूछा है एटम। ओ भाई बोलो ना यार, मैं मुझसे ज्यादा थके हुए लग रहे हो तुम लोग। यस सर, बोले क्या आंसर आएगा, 6.54 × 10⁻³। देखिए एक क्लोरीन, देखिए देखिए आपने तो सीएल टू निकाला है ना 71 रख के, ये देखे आपने तो क्लोरीन 71 रखा है ना, क्योंकि आपके पास सीएल टू था, लेकिन वो क्या पूछा, क्लोरीन एटम, तो एटम के मोल निकाले ना। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, 5.5 रख सकते थे अगर 71 की जगह, 71 के 35.5 रखते तो वो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि ग्राम तो Cl2 के दिए हुए। अच्छा, अब मेरी बात समझ नहीं है, तो सीधे तरीके से चलेंगे, Cl2 का मास से 71 से डिवाइड करके Cl2 के मोल निकालें, Cl2 के मोल से Cl के मोल निकालें, जैसे ही Cl के मोल निकल के आ जाएं, फिर आप जो है वो नंबर एटम निकाल लें। देखें नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 6.023 × 10⁻²। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, जी सर आ रही है, तो आप मोल क्या डालेंगे, है? ओहो, मोल तो वही डालेंगे ना जो ऊपर के डालें, मोल तो वही आ जाएगा जो डाले हमने, अभी करते हैं इसका हल। देखिए मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको निकालने एटम, तो एटम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 6.023 × 10⁻²³। मोल है 6.54 × 10⁻³। एवोगाड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻²³। बोले कितना आएगा, 3.94 × 10⁻²³। दोबारा बोलिएगा, 3. आप दोबारा बोलेंगे आंसर, आप में से कोई दोबारा बोलेगा आंसर, जी मेरी आवाज आ रही है सर, 3.94 × 10⁻²³ एटम्स। आपकी क्लास यही खत्म करनी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन और करा दूं, क्योंकि फिर वो 40 क्वेश्चन आपसे में ये क्वेश्चन अटक जाएगा, लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप जाएं। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आप लोग जाएं। ये अभी मैं पास पेपर से निकालता हूँ, यह ढूंढना पड़ेगा,
बस ये लास्ट क्वेश्चन है, हर सूरत में लास्ट क्वेश्चन है। कौन से ईयर में है 9701 के? शायद 2006 में है। डेंसिटी ऑफ आइस वाला क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। 2006 में क्वेश्चन है, पेपर वन में था। लगभग में लिखा है द डेंसिटी ऑफ आइस। है तो ये MCQ का ही पेपर। नहीं मिलेगा तो फिर मैं अपने पास से कराऊंगा फिर लिख के। फाइव सिक्स मिल ही नहीं रहा। चले मैं फिर आपको खुद लिखवा देता हूँ। लिखेंगे पास पेपर का ही क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 1 ग्राम पर cm³। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड when 1 cm³ of ice is heated to 323 degree centigrade yani 596 Kelvin at a pressure of 1 atmosphere. वन एटमोस्फियर का मतलब 101 किलो पास्कल। चलिए अब मैं आपको बताता हूं है क्या। आइस है, आइस से पानी बना है, पानी के बाद स्टीम बना है। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का स्टीम का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, आराम से समझ आ जाएगा। देखें सबसे पहले आपके पास पानी आइस है, ठीक है। आइस की डेंसिटी है, मास निकालें। स्टेप वन फाइंड मास। फाइंड मास तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1 है, मास निकालना है, वॉल्यूम जो है इसका 1 cm³ है, वॉल्यूम 1 दिया हुआ है। तो मास इज इक्वल टू 1 ग्राम आ गया। अब आ जाए स्टेप 2 पे।
जैसे ही आपको मास आ गया अब मोल निकाल लें। स्टेप टू मोल करना क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। पूछ क्या रहा है ये भी स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन एम आर। ग्राम है 1, पानी का एम आर है 18, तो ये 1 डिवाइड बाय 18 मोल आ गया आपके पास। अब स्टेप 3 पे आ जाएं। अब आप गौर से देखें, ये कह रहा है कि आपके आपने इससे ये सब चीजें निकाल ली। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 सीएम क्यूब ऑफ आइस इज हीटेड। आप बताएं क्या स्टीम का वॉल्यूम क्या हो गया, वही होगा जो पत्थर में था, सॉलिड में था? नहीं सर, क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना। शाबाश, तो हम पहले पहले वॉल्यूम निकालते हैं कि रूम टेम्परेचर में कितना होगा। स्टेप 3, फाइंड वॉल्यूम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें, हम सबको मालूम है एक मोल में 24 डीएम क्यूब होते हैं, तो 1 अपॉन 18 में कितने होंगे, एक्स एक्स इज इक्वल टू 24 अपॉन 18। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बताएं, 1.33 ग्राम आ गया। अब आपको जो मैंने इतने सारे फॉर्मूले लिखा है उनमें से एक फॉर्मूला उठाएंगे। देखिए गौर से, आप गौर से देखें, मैंने आपको चार्ल्स ला कराया था, वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये 323 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो भाई वॉल्यूम कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड में? सर उल्टा लिखा है आपने। मैंने क्या उल्टा लिखा बताएं? सर 25 नीचे नहीं आएगा, ऊपर क्यों होगा? नहीं आप मेरी बात समझी नहीं है। मैंने कहा ये वाला टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है और ये वाली साइड 323 डिग्री सेंटीग्रेड वाली साइड है। सही से। तो 25 पे वॉल्यूम कितना नहीं होगा? हाँ केल्विन में रखेंगे ना, तुम्हें समझाने के लिए लिखा है ना जज्बाती आदमी, केल्विन में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना वॉल्यूम निकाला था तुमने, 1.33 निकाला था ना? जी सर, 1.33। और टेम्परेचर कितना था, 25 प्लस 273, ये वॉल्यूम पूछ रहा है, जबकि इसका टेम्परेचर कितना है, 596। जल्दी से बता दो V2 कितना आएगा, 298। हाँ कितना आ रहा है, 2.68, लेकिन MCQ में 7 है, 6.7 DM, बस ठीक है, 2.6 इसका मतलब बिल्कुल सही है, 2.67 DM क्यों। तो भाई ये 14 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बाकी जितने भी बचे हैं वो आपने करके कल लेकर आना है। अगर कल आपकी लैब है तो आप लेकर आएंगे, चेक करूंगा मैं, अगर आपकी क्लास है तो भी लाइएगा, मैं चेक करूंगा, अदरवाइज मैं फिर घर में बात करूंगा आपके कि भाई क्या मसला है, मैंने अभी छुट्टी बर्बाद करके काम कराया और बच्चे काम भी करके लाए, इसका क्या मतलब है? सर आखिरी वाला क्वेश्चन है क्या, सर आखिरी वाला वापस, आखिरी वाला मैं वापस बता दूं आपको, ये देखिए ये रहा आखिरी वाला, ये रहा, देखिए पानी की डेंसिटी, बर्फ बर्फ की डेंसिटी दी हुई थी, आपने मास निकाला, आपने मोल निकाल दिए, जितना मोल बर्फ का था उतना ही मोल पानी का होगा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वही मोल लेके पानी का वॉल्यूम निकाल लिया, 1.33 डीएम क्यूब। ठीक है,
उसके बाद आपने वी वन अपॉन टी वन लगाया, वी टू अपॉन टी टू लगाया, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी। आपको बात समझ आ रही है? ये वाली साइड 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, ये वाली 323 वाली है। इधर इसका टेम्परेचर रखा कैल्विन में, इधर कैल्विन में रखा, इधर टेम्परेचर वॉल्यूम रखा, इसका वॉल्यूम निकालिए। अच्छा सर, ये तो 400 मैटर नहीं करता कि मतलब आप पानी पानी पे लगाओ, मतलब पानी गैस दोनों के ऊपर जो भी आ रहा है उस लगा। देखो अगर एक ही मटेरियल है तो 400 लगेगा, एक ही मटेरियल है तो 400 लगेगा, क्योंकि सब में पानी, एक ही मटेरियल का मतलब है पानी H2, फॉर्मूला तो एक ही है ना। अगर अच्छा, हाइड्रोजन गैस है तो हर सॉलिड में भी हाइड्रोजन, लिक्विड में भी हाइड्रोजन, उसी गैस के साथ खेल रहे हैं, तो फिर तो यही फॉर्मूले लगेंगे, चांसलर बॉयल चौ। चलो भाग जाओ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैंने असाइनमेंट दिए हुए, कल लेकर आना करके सब, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नोट्स भी सेंड कर दें। मैं आपकी क्लास है जायना, अभी जायना 3:30 पे क्लास है आपकी। जी एक क्लास और है आपकी 3:30 पे भी, मैं उसमें दे दूंगा आपको।